नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, बुल्का सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा सातवीं का इकाई चार, जिसका नाम है कथनी और करनी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने आधी इकाई देखी थी, बाकी की इकाई देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, थोड़ाक लोको एवा पण होय छे जे आदर्शनी वातो करे छे, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। परंतु जारे तेमने आदर्श अपनावानो वारो आवे त्यारे तेओ आदर्श ने भूली जाय छे। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस एक व्यक्ति ना घरे तेना मित्र तेने मळवा आव्या। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। बन्ने मित्रों वातचीत मां एटला तल्लीन हता, एटली ज वार मां कोईए दरवाजो खटखटाव्यो। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, तेमणे बारीनी बहार नजर करीने जोयु। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले चार माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। बाहर मकान मालिक उभो हतो, जे छेल्ला चार महीना थी बाकी रहेलू भाड़ू लेवा माटे वारंवार आवी रह्यो हतो। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। तेमने पोताना बालक ने समझावीने बाहर मोकल्यो। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, जारे पेलो बालक बाहर गयो त्यारे मकान मालिके तेमने कह्यो, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तू तारा पिता ने कहे के हूँ मकाननु भाड़ू लेवा आव्यो छू। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। पेला बाळके तरत ज तेने जवाब आप्यो, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। मारा पिताजीए कह्यू छे के ते करे नथी। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हसने लगा। पेला बाळकनी वात सांभळी अने मकान मालिक पण हसवा लाग्यो। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घर में बैसेला मित्र ना चेहरा पर पण स्मित आवी गयु। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। तेने जोई अने पेलो व्यक्ति खूबज लज्जित थयो। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था
कि एक सज्जन व्यक्तिए पोताना पौत्रने एवुं शीखवाड्युं हतुं के हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आपने क्यारे कोई पण काम ने खोटी रीते करवु जोईए नहीं। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमेशा आपनो वारो आवे तेनी आपने राह जोवी जोईए। एक दिन की बात है, एक दिवसनी बात छे। वे नल बिजली के बिल जमा कराने गए। ते पानी अने वीजळीनुं बिल भरवा माटे गया। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। साथे तेने 8 वर्षनो पौत्र पण हतो। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल भरवा वाला लोगों ने लंबी लाइन जोईने ते कईक उपाय विचारवा लाग्या। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। तेमणे उभेला बधाज लोगों ने खूबज ध्यानपूर्वक जोया। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। आगळज तेने एक ओळखीतो व्यक्ति जोयो। वे तुरंत उसके पास गए और बोले। ते तरत ज तेमनी पासे गया अने बोल्या। बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। दिकरा, आ बिल तू घरे ज भूलीने आवी गयो। लो, इसको भी जमा कर दो। ले, आ बिल ने पण तू जमा करावी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि की रकम उसके हाथ में थमा दी। पेलो व्यक्ति तेने कई पण जवाब आपे ते पहलाज पेला व्यक्तिए तेना ओळखीता व्यक्तिने हाथ मा बिल अने रकम पकड़ावी दीधी। और एक तरफ जाकर खड़े हो गए अने पोते एक तरफ जईने उभो रही गयो। पोता बार बार कहने लगा। तेनो पौत्र तेने वारंवार कहवा लाग्यो। दादाजी लाइन में लगिए न। तेना पौत्रए कह्यू के दादाजी लाइन मां उभा रहो ने। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तेमनी वात सांभळी अने लोको पण हसवा लाग्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं। केटलाक लोको एवा पण होय छे जे
આદર્શની વાતો કરે છે પરંતુ તેને અપનાવતા નથી। ઈસ પ્રકાર કા આચરણ અચ્છા નહીં હોતા। આ પ્રકારનો વ્યવહાર એ સારો હોતો નથી। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। आउ व्यवहार करनार व्यक्ति ने क्यारे सम्मान मळतू नथी। वे हसी के पात्र बनते हैं, ते हासी ने पात्र बने छे। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। એટલા માટે આપણે હંમેશા કહેવામાં અને કરવામાં સમાનતા રાખવી જોઈએ। હો કથની કરની એક સમાન, જગમે મિલતા તબ સમ્માન।